हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो केवीएस का इंटरव्यू सभी पूछ रहे थे भी कैसा गया, आपका एक्सपीरियंस भी बताओ। तो मैं जस्ट अभी केवीएस का इंटरव्यू दे के आ रहा हूँ, जस्ट अभी आया। अभी आपका टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 4:30, तो 4 बजे मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ था। जस्ट सुबह से हम बैठे हुए थे, सेकेंड शिफ्ट में मेरा इंटरव्यू था। और क्या क्या सवाल पूछे मुझसे, किस तरीके की बातें हुई, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपको एंट्री करनी होती है। जैसे ही आप एंट्री, इसको पूरा दिन लगा इस काम को करने में, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। कहीं आप सोच रहे हो ये 2 मिनट का काम हो गया, पहले बाहर लाइन, फिर अंदर लाइन, फिर एक और लाइन, फिर रूम में लाइन, फिर रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारा प्रोसेस होते होते शाम को 3 बज गए, 3:30 ऑलमोस्ट 4 बजे से पहले मेरा इंटरव्यू था। और जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले मैंने दरवाज़ा खोला, एक हल्की सी स्माइल थी जो कि ध्यान में रखी थी मैंने, और खोलते ही 4 पैनल मेंबर्स थे, उनमें से एक मैम थी, बाकी 3 सर थे। जैसे ही मैंने एंट्री करी तो बोला बैठो, मैंने थैंक यू बोला, उसके बाद बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो मैंने सीधा अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और जहाँ से मैंने अपना स्कूलिंग किया वो बताया, फिर अपना बैचलर्स मास्टर्स LNIP से किया, ये सारी चीज़ें बताई। उसके बाद मैं अपनी स्पोर्ट्स अचीवमेंट बताने के बाद फिर वो डायरेक्टली सवाल पे आ गए कि जूडो के अलावा और कौन कौन सा गेम सिखा सकते हैं। मैंने कहा सर जूडो के अलावा सारे गेम सिखा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि फंस जाओगे, देख लो सारे गेम बोल रहे हो। मैंने कहा कि सर सिखा लेंगे, जैसे बैचलर्स में हमने सारी चीज़ें सीखी है तो सिखा लेंगे, फिर भी कोई एक गेम बताओ। मैंने कहा सर योगा सिखा देंगे। तो बोला कि सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप होते हैं और वो करके दिखाओ। तो मैंने सूर्य नमस्कार करके दिखा दिया पूरा। तो कह रहे कोई नहीं, वेरी गुड, खड़े हो जाओ। अब बोले कि भ्रामरी क्या होता है, भ्रामरी करके दिखाओ। तो जब मैं भ्रामरी कर रहा था तो अभी तो मेरे हाथ में शिवरिंग नहीं हो रही है, उस टाइम पे मेरी उंगलियों में शिवरिंग थोड़ी सी दिखाई दे रही थी। अब होता है एंजाइटी में शुरू में इसी तरीके से चीज़, आपके साथ भी होता है, किसी के साथ होता है, नहीं होता, मेरे साथ होता है। तो मैंने भ्रामरी करके दिखाया, 2 बार मैंने गुंजन किया। उसके बाद बोले कि ओम होता है या फिर होता है। मैंने कहा ये ओम नहीं होता सर, हमिंग बर्ड वाली साउंड होती है। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद एक प्रोफेसर बैठे हुए थे राइट साइड में ही, दीपक सर, उनका सवाल आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा सर सारे ही पढ़ा सकते हैं। कह रहे कौन से आपके अच्छे हैं, जो इंटरेस्टेड हो जिनमें। मैंने कहा सर सारे ही अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन हेल्थ एजुकेशन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और इन सभी में ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे सर पढ़ाना। तो बोले अच्छा हार्ट पढ़ा लोगे? तो मैंने कहा हाँ सर पढ़ा लूँगा। ठीक है पढ़ाओ। बोर्ड था, मैंने बोर्ड पर रब किया, डेट लिखी, ऊपर हार्ट लिखा और 4 कमरे ऐसे बनाए, फिर स्टार्ट कर दिया सीधा ही लाउड। आपको तो पता ही है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। तो बच्चों आज हम हार्ट पढ़ने वाले हैं और हार्ट में जैसे 4 चैम्बर होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर आप रूम देख रहे हैं ऐसे ही स्कूल में बहुत सारे रूम हैं, हमारे हार्ट में भी 4 रूम होते हैं, 4 कमरे, तो उनको देखेंगे। जो हार्ट का शेप होता है वो इस तरीके का होता है नीचे से, जैसे मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ। तो नीचे से वी याद रख लेंगे, ऊपर से इस तरीके का होता है, ऊपर से ए से याद रखेंगे। तो वी से क्या हो गया वेंट्रिकल, ए से क्या हो गया एट्रियम। तो फिर उधर से दीपक सर हंसे और बोले कि यार ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता थी, अच्छी चीज़ बताई। मैंने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर। तो फिर बोले कि अच्छा आ जाओ। कह रहा खाली जूडो ही जूडो खेलोगे या फिर और भी कुछ करोगे? मैंने कहा सर अच्छा सब्जेक्ट में और क्या क्या करवा दोगे, क्या क्या बता दोगे? मैंने कहा सर सब बता देंगे। तो बोले कि हेल्थ एजुकेशन तुमने बताया, तो हेल्थ एजुकेशन में फैट क्या होता है, न्यूट्रिशन बता दोगे? हाँ सर बता देंगे। और उसके बाद में बीच बीच में सवाल थोड़े थोड़े होते रहे थे, लेकिन वो बोलने के बाद में मैं एक सवाल पे फोकस कर रहा था, तो वो जैसे जैसे सवाल आ रहा वो बता रहा हूँ। फिर बोला कि फैट क्या होता है और फैट के यूजेस बताओ, क्या क्या फ़ायदे होते हैं फैट के। तो फैट के फ़ायदे से ही पूछा था, ये नहीं पूछा था फैट क्या होता है, फैट के फ़ायदे बताओ। तो मैंने बोला कि सर फैट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारी जॉइंट में, बेसिक में देखें तो जॉइंट में हमारे कुशनिंग प्रोवाइड करता है और एनर्जी का सबसे बढ़िया स्रोत है, ऑलमोस्ट 9 किलो कैलोरीज ये प्रोवाइड करता है 1 ग्राम में। और अगर डीप चले जाए तो सर हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करता है सर। तो बोले अच्छा गुड। उसके बाद बोले तुम्हारे को, फिर सर बैठे हुए थे, फिर थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। फिर बोले अच्छा तुम्हारे को ये बताओ कि पोस्टिंग दे दे हम एक जगह है पागलपुर और वो है चाइना बॉर्डर पे, और तुमको जाना है पहले रेलगाड़ी से, फिर उसके बाद में बस से, फिर हाथी से, फिर ऐसे, तो तुम चले जाओगे क्या? मैंने कहा सर चले जाएंगे हम।
अच्छा फिर बोले, फिर मैंने कहा कि सर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने बैचलर्स अपनी है वो गुवाहाटी से की हुई है, 4 साल तो मैं गुवाहाटी में ही रहा हूँ। हाँ फिर सर को पता होगा गुवाहाटी के बारे में, फिर उन्होंने 4-5 जगह के नाम गिना दिए, सोनापुर ये वो, मतलब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव चला मेरा, बहुत हंस रहे थे वो लोग, मतलब नॉर्मल बातचीत हो रही थी ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद में मैम का सवाल आता है कि आप तो हायर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चले जाओगे, जैसे कि आप नेट PhD आप बोल रहे हैं तो आप तो छोड़ के चले जाओगे। तो फिर मैंने बोला मैम वो फ्यूचर की बात है, लेकिन फ़िलहाल मैं ज्वाइन कर लूँगा। तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि ज्वाइन करने वालों को यही सवाल का जवाब देना होता है। तो ये बात हुई। उसके बाद में एक दो सवाल मेरे को ध्यान नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जिसका जवाब ना दे सके हम। और उसके साथ साथ में बोला कि क्या गेम है आपका, जूडो है, तो जूडो कैसे सिखाओगे, बिना इसके सिखा दोगे क्या, यहाँ पे कहीं है जूडो का कुछ सामान, तो वहाँ पे 2 मैट रखे हुए थे कोने में। मैंने कहा सर वो रखे हैं, 2 मैट इन पे ही सिखाते हैं जूडो। अच्छा हाँ, फिर एक और सवाल पूछा। फिर उसके बाद में बोला कि तुम ये बताओ कि तुम्हें टीम लेके जानी है कबड्डी की, 20 जनों की टीम है, तो तुम 20 बंदे लेके जाने हैं, तो तुम कैसे लेके जाओगे। तो मैंने बोला कि सबसे पहले तो सर हम सिलेक्शंस करेंगे। कह रहा सिलेक्शन हो गए। फिर बोले कि अच्छा फिर और क्या करोगे तुम। मैंने कहा सर सबसे पहली चीज़ तो जो कोचेज़ हमारे साथ जाने, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा कोचेज जाने, तो उनकी लिस्ट तैयार करेंगे, प्लेयर्स की लिस्ट तैयार करेंगे, टिकट्स देखेंगे, जाने आने की अगर हो सकती है तो बहुत बढ़िया है, और ये सारी चीज़ें बोली। फिर बोले अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा सर सेफ्टी और सिक्योरिटी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस यही बात हुई। फिर उसके बाद में बस थोड़ा सा हंसी मजाक करके वो बोले कि चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर जैसे मैं आ रहा था उठ के, मैंने कहा थैंक यू सर, तो बोले कि तुम्हारे हाथ में ये उंगलियां थोड़ी सी हिल क्यों रही हैं, ऐसे कांप क्यों रही है तुम्हारी उंगलियां। तो मैंने कहा सर ये पता नहीं क्यों कांप रही हैं, क्योंकि मेरी होती है, हर किसी का एक अलग रहता है कि थोड़ी सी शिवरिंग होती है किसी किसी को। तो मैंने कहा सर शायद इसकी वजह से, तो बोले चलो ठीक है आपको पोस्टिंग दे देंगे तो आप ज्वाइन कर लोगे। मैंने कहा जी हाँ सर ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद में बोले कि चलो ठीक है फिर थैंक यू। फिर उसके बाद में मैं बाहर आ रहा था जैसे ही, तो मैंने एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दिया कि जैसे ही बाहर आओ आप भी इस चीज़ का ध्यान देना, कभी भी पीट करके नहीं जाना होता है, जाओगे तो पीट करके ही, लेकिन जैसे गेट बंद करोगे तो फेस करके थोड़ा सा स्माइल करें तब के। तो मैंने ऐसे जब फेस उनकी तरफ किया और जैसे गेट बंद किया स्लोली बिल्कुल से हल्के से खोला, क्योंकि बाहर से बंद रहता है गेट, बाहर से खोला, बाहर से जैसे आप नोक करोगे तो खोलेंगे, और कितना पोलाइटली आप खोलते हो, पोलाइटली खोला। मैं यही सोच रहा था कि ये चीज़ क्या पता मेरी ऑब्जर्व हो रही हो, लेकिन असली में हो रही थी। जैसे ही मैंने खोला गेट, उसके बाद जैसे ही मैं बाहर निकला और मैंने वापस से गेट जब बंद किया, तो मेरा फेस था पैनल मेंबर्स की तरफ, तो चारों पैनल मेंबर्स मुझे नोटिस कर रहे थे, स्पेशली मैम। तो मैंने स्लोली ऐसे कहा थैंक यू, ऐसे करके मैंने बंद किया। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ उन्होंने एंट्री और एग्ज़िट नोटिस की, नॉलेज तो ऑटोमेटिकली तो तुम्हें पढ़ा पढ़ा के आई गई है इतनी थोड़ी बहुत। तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बाकी तो देखो ऊपर वाले का खेल है सब कुछ, देखते हैं। लिस्ट में नाम आएगा तो डेफिनेटली शेयर करेंगे, और ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वो एक अलग चीज़ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। आप भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, कमेंट में बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिजिकल एजुकेशन के लिए, ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपके लिए आती रहेंगी, और जहाँ भी भर्ती आती है सबसे पहले आपको बताते हैं। जय हिंद, जय भारत, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।